तो 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी। आज कई विंटेज एयरक्राफ्ट भी अपना दमखम दिखाने वाले हैं। आज भारत की एयरफोर्स का शौर्य पूरी दुनिया देखेगी जब स्वदेशी निर्मित प्रचंड अपना प्रचंड प्रहार दिखाएगा। विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए नजर आएंगे और ये सीधी तस्वीरें। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब दिल्ली एयरबेस से बाहर कहीं ये प्रोग्राम हो रहा है। चंडीगढ़ में आज वायुसेना की ताकत का नजारा दिखेगा जिसकी गड़गड़ाहट से चीन से लेकर पाकिस्तान तक की सीमाओं में इनकी धमक सुनाई पड़ेगी। तो आज एक खास कार्यक्रम पाकिस्तान के करीब भारत का सबसे बड़ा एयर शो है ये। मिराज, जैगवार, चिनूक, देसी प्रचंड इसमें नजर आएंगे और वायुवीर भी यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। तो आज ये अद्भुत तस्वीरें देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, और देखिए इस साल वायुसेना दिवस को दो हिस्सों में बांटा गया। आज सुबह चंडीगढ़ एयरबेस पर परेड का आयोजन इस वक्त आप देख रहे हैं। और आपको बता दें इस दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी अब से कुछ ही देर में परेड की सलामी लेंगे। वायु सैनिकों को वो संबोधित भी करने वाले हैं। हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं और अधिक अपडेट के साथ। मनीष, कितनी देर में परेड की शुरुआत हो जाएगी, अभी क्या चल रहा है वहां पर? प्राची, औपचारिक तौर पर ये परेड की शुरुआत हो गई है। निशान टोली जो है वो इस समय डायस से होते हुए ठीक सामने इस समय जो एयरमैन हैं साथ में एयर वॉरियर्स हैं उनके साथ है। और अब से कुछ देर बाद औपचारिक तौर पर जब एयरफोर्स चीफ यहां पर आएंगे तो वो सभी को संबोधित करेंगे। ये 90 साल हो चुके हैं एयरफोर्स डे का, 90th एयरफोर्स डे है और इसी उपलक्ष्य में इस बार ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर यानी हार्वर्ड से लेकर जो रफाल तक का ये जो पूरा सफर है वो इसमें दर्शाया गया है। एक बार फिर से आप सीधा तस्वीरों में देखें तो यहां पर सैल्यूट किया जा रहा है। जो यहां पर जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और उससे ठीक पीछे, क्योंकि जहां एक तरफ ये एयर वॉरियर्स हैं तो वहीं दूसरी तरफ वो तस्वीर बहुत खास है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तेजस जो पहली बार इसका हिस्सा बन रहा है, प्रचंड स्क्वाड्रन का ये प्रचंड प्रहार करने वाला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में इसको महारत हासिल है। और आपको ध्यान होगा जब फेस ऑफ हुआ था तो उस दौरान भी दो HAL ने अपने इसी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लद्दाख के एरिया में डिप्लॉय किया था। उसके बाद जो दूसरा है वो है रोहिणी रडार, पूरी तरह से भारत द्वारा तैयार किया गया है, DRDO ने इसे तैयार किया है। एक साथ 150 के लगभग ये टारगेट एंगेज कर सकता है, सर्विलांस के तौर पर उसे देख सकता है, ट्रैक कर सकता है और 200 किलोमीटर तक का इफेक्टिव रेंज है इसका पूरा एरियल व्यू और एरियल थ्रेट को देखने के लिए। उसके बाद है तेजस Mark 1। इस समय भारतीय वायुसेना में तेजस की दो स्क्वाड्रन है, फ्लाइंग डैगर्स और फ्लाइंग बुलेट। आने वाले टाइम पर ये इसमें 83 और जो तेजस है Mark 1 के फॉर्म पे वो शामिल होंगे और MiG-21 की जो 3 से 4 साल के अंदर पूरी स्क्वाड्रन है उसमें बदलाव होगा। उसके बाद ये सर्फेस टू एयर मिसाइल है आकाश जो कि इफेक्टिवली 25 किलोमीटर। आपसे इस बारे में जानकारी लेंगे। आज का मौका बेहद खास, एयरफोर्स डे के बेहद खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन एयरफोर्स के गौरवशाली इतिहास को याद किया। प्रधानमंत्री से सुनिए एयरफोर्स डे की गौरव गाथा। कोई आश्चर्य नहीं कि आसमान में अपनी शक्ति का परिचय देकर के भारतीय वायुसेना ने हर देशवासी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हमें आसमान की बातें तो निराली होती ही है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आसमान में अपनी शक्ति का परिचय देकर के भारतीय वायुसेना ने हर देशवासी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हमें सुरक्षा का एहसास दिलाया है। आपकी ये मुद्दा दुश्मन के पैरों में कंप कंपी पैदा कर देती है, माथे से पसीने छुड़ा देती है। जब भी कोई टेढ़ी नजर हमारी तरफ उठाता है तो उसको उसी भाषा में जवाब देने का जज्बा आप सब में होगा। 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। 1932 में 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। यह अपने आप में एक यादगार यात्रा।
तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको चंडीगढ़ से दिखा रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री को सुना और कई खास बातें इस दौरान कही गई कि जब भी कोई टेढ़ी नजर उठाता है तो उसे उसकी ही भाषा में जवाब देना जरूरी हो जाता है। शौर्य गाथा, गर्व गाथा एयरफोर्स की आज इस खास मौके पर हम आपको बता रहे हैं। और लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर है चंडीगढ़ से एयरफोर्स डे की, एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।